असल माय लिटिल फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सुपर इम्पॉर्टेंट कीपिंग आवर प्लैनट ग्रीन आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि हम अपने प्लानट को ग्रीन कैसे रख सकते हैं डू यू नो व्हाट इज़ व्हाट दैट मींस आपको मालूम है कि इसका क्या मतलब है प्लान को ग्रीन कैसे रख सकते हैं इन्वायरमेंट का क्या मतलब है एनवायरनमेंट जो है जो हमारे इर्द गिर्द लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं उनको इन्वायरमेंट कहते हैं अ ग्रीन इन्वायरमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ़ आवर अर्थ बाय कीपिंग इट क्लीन प्लांटिंग ट्रीज एंड सेविंग वाटर अपनी इर्द गिर्द की हिफाजत करना पौधे उगाना आ, साफ रखना इन्वायरमेंट को तो प्लांटिंग ट्रीज़ का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं पौधों के क्या फ़ायदे हैं पौधे हमें क्लीन uh, एयर देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं ठीक है अगर सांस uh, हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते इसी तरह परिंदों को घर फ्राहम करते हैं परिंदे दरख्तों पे अपना घोंसला बनाते हैं और परिंद और इसके अलावा गर्मियों में हमें शेड देते हैं धूप से बचाते हैं हम अपने दरख्तों की छाँव के नीचे बैठते हैं पढ़ते हैं खेलते हैं इसके अलावा फ्रूट से हमें फल हासिल होते हैं तरह तरह के सेब केला बहुत सारे फ्रूट्स और जो हैं वो हमें पौधों से हासिल होते हैं तो आज ऐसा करें अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाएं ताकि आप भी प्लेनेट को ग्रीन करने में अपना हिस्सा डालें रिमेम्बर मोर ट्रीज मोर क्लीन एयर याद रखें कि जितने आप पौधे उगाएंगे उतनी आपको साफ हवा मिलेगी ठीक है इसी तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ देखें आप देखें ये एक पार्क है इसमें हर तरफ कचरा बिखरा हुआ है तो डोंट लिटर आप कचरा ना फैलाएं बल्कि अपनी जो गाबेज है उसको डस्टबिन में फेंकें हम जब कचरा फैलाते हैं तो हम अपने प्लेनेट को गंदा करते हैं लेट्स क्लीन अप दिस पार्क तो चलें आए एक काम करते हैं आपके गिर्द जो घर के पाक है उसको साफ रखें उसमें से कचरा चुने और जब भी आपने कचरा कहीं फेंकना हो तो उसको डस्टबिन में फेंकें अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा ना करें कभी भी कचरा नीचे ना फेंकें. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नेवर वेस्ट इट पानी बहुत ज्यादा अहम है हमें कभी पानी को जाया नहीं करना चाहिए जैसे आप नल खुला रखते हैं इफ यू सी यार ड्रिपिंग टैप टर्न इट ऑफ वी नीड टू सेव वाटर फॉर द फ्यूचर अगर आपको नलके में से पानी गिरता हुआ नजर आए तो उसको बंद कर दें इसी तरह जब आप ब्रश करते हैं तो नलका मत खोलें उसको बंद कर दें इस्तेमाल करने के बाद हम बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं जब हम ब्रश करते हुए टैप खोल देते हैं या हाथ धोते हुए ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं उसके अलावा हम अपने प्लानट को प्लास्टिक से गंदा करते हैं आपने अब जो प्लास्टिक है वो जानवरों इंसानों और हमारी अर्थ के लिए नुकसानदेह है ये समुंदर में जाता है और आबी हयात की मौत का सबब बनता है तो इसके प्लास्टिक के लफाफ़ों को मत इस्तेमाल करें हमेशा पेपर बैग्स इस्तेमाल करें ताकि हम प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकें स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफ़रेंस छोटी छोटी तब्दीलियाँ जो है वो बहुत बड़ी कामयाबियों का पेश है, होती हैं तो आप ये ना सोचें कि आपके करने से क्या होगा हमेशा याद रखें कि आपने अपने प्लेनेट अर्थ को ग्रीन बनाना है अपने ज़्यादा ट्री उगाने हैं आपने कचरा नहीं फेंकना आपने पानी को सेव करना है और आपने प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी टूडे रिमेंबर वी कैन टेक केयर ऑफ आवर अर्थ याद रखें हम ही हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन की खुद हिफाजत करनी है ताकि हमारा मुस्तबिल अच्छा हो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल